दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडिया नंबर वन इमर्जिंग स्कूल जहां है एकेडमिक्स स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू नाइन्थ गलवान घाटी में शहीद हुए सैनिकों के सम्मान में आज हमने यहां पे एक रक्तदान शिविर रखा है उसमें वार्ड 58 के अंदर हमारे जो क्षेत्रीय हॉस्पिटल है उसके अंदर हमने सारी व्यवस्था रखी है। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि हर इंसान सेना की तरह वहाँ लड़ने तो जा नहीं सकता है, इसलिए जो भी देश समाज के हित में जो भी कर सकता है वो अवश्य करना चाहिए। उसी लक्ष्य को रखते हुए हमने आज यहाँ पे रक्तदान शिविर रखा है। और हमारा जो चीनी बंधु हैं जिन्होंने चीनी हमारे जो दुश्मन बंधु हैं उन्होंने क्या किया हमारे साथ वो सब जने जानते हैं। ये चालबाजी उनकी चलने वाली नहीं है। अब चीनी खुद मान चुके हैं कि हमारे 20 से ज़्यादा सैनिक मरे हैं और जो हमारे यहाँ जो 20 सैनिक शहीद हुए हमने पहले दिन भी कबूल कर रहा, क्योंकि हिंदुस्तानी कबूल करने में कभी भी कतराता नहीं है, क्यों हम जानते हैं कि दुश्मन से बदला कैसे लिया जाता है। हमने उस दिन भी उनके कम से कम भी 45 से 50 सैनिकों को क्षतिग्रस्त किया था और वो धीरे धीरे हाँ मर रहा है कि 20 मर गए हैं, 20 का इलाज चल रहा है। तो हमारे सैनिक किसी भी तरह से कमजोर नहीं है, हमारा देश बिल्कुल सुरक्षित है, हमें किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। वहाँ पे हमारे जो सैनिक बंधु हैं उन पे हमें पूरा भरोसा है और हमारा देश जब भी मौका पड़ेगा उनको पुनः मुंह और जवाब देगा। बलवान घाटी के जवान जिनकी चीनी चमगादड़ों को चूहों को मारते हुए जो हमारे जवान शहीद हुए उनकी याद में उन आज हमने यहाँ श्रद्धांजलि अर्पित करी है और श्रद्धांजलि के साथ जो सैनिक हमारे घायल हुए हैं उनके लिए यहाँ रक्तदान किया गया है। ये रक्तदान महारक्तदान है, क्योंकि रक्तदान से किसी का जीवन बचता है, अन्नदान से केवल पेट भरता है, रक्तदान से जीवन बचता है। इसलिए मैं सभी से अपील करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग रक्तदान करने का प्रयास करें और रक्तदान देने का कोशिश करें। जहाँ भी शिविर हो तुरंत रक्तदान के लिए पहुँचना चाहिए, हमारे देश के जवानों के लिए बहुत सहयोग करेगा आगे और उनके जीवन में नया जीवन मिलेगा उन लोगों को। रक्तदान की हमारी प्रेरणा उत्तर क्षेत्र के विधायक लोकप्रिय विधायक वासुदेव जी देवनानी और वार्ड के हमारे जो प्रकाश जी मेरा पार्षद है इनके नेतृत्व में आज ये रक्तदान हुआ है और यहाँ करीब 65 से 70 लोगों ने रक्तदान किया, निस्वार्थ सब लोगों ने यहाँ के रक्तदान किया। आज क्षेत्रपाल हॉस्पिटल के अंदर रक्तदान शिविर का आयोजन जो किया गया है उसके अंदर क्षेत्रवासियों ने और अजमेर वासियों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और मैं सभी लोगों से ये आग्रह करना चाहता हूँ कि रक्तदान किसी का जीवन बचाता है तो रक्तदान करना अपने जीवन का एक जरूरी कार्य माने और इससे बड़ा दान कोई नहीं है। जो भी व्यक्ति रक्त देना चाहता है बहुत मतलब उनके कई लोगों के अंदर ये भ्रांति होती है कि उनको डर लगता है रक्त देते वक्त, जबकि ऐसा नहीं है। रक्तदान करने के बाद 24 घंटे के अंदर ही वो रक्त जो है वो वापस आपके शरीर के अंदर बन जाता है और आपका शरीर के अंदर एक नई ऊर्जा का प्रभाव बहता है। तो रक्तदान जो है वो आपको कई बीमारियों से भी बचाता है और रक्तदान नियमित रूप से हर 3 महीने में 4 महीने में करते रहना चाहिए। आपका रक्त किसी ना किसी व्यक्ति के जीवन बचाने के अंदर बहुत बड़ा योगदान देता है।